हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? ये 21 जुलाई का टू डू लिस्ट है, डेट 10 है हमारा। आरआरबी पीओ क्लर्क और आईपीएस क्लर्क दोनों को ध्यान में रख के टू डू लिस्ट बनाया गया है, तो इसको जरूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। और डे 9 का टू डू लिस्ट कितने लोगों ने फॉलो किया प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और डेली आपको फॉलो करते रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टू डू लिस्ट है 21 जुलाई का, डे 10 का, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी क्वांट और रीजनिंग पे फोकस ज़्यादा करना, क्योंकि आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड आउट हो चुका है हमारा। तो उसमें मैंने 25 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन मैं आपको डेली दे रहा हूँ। इसको करना ही करना है, क्योंकि पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, ये इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप एग्जाम में अच्छा करोगे। 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 5 रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क सॉल्व करना है, और 5 आपको प्रीलिम्स लेवल के डीआई लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वांट के टू डू लिस्ट हुए हैं। अभी बात कर ले रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको 5 मैंने प्रीलिम्स लेवल के पजल दिए हैं सॉल्व करने के लिए, और 5-5 मिसलिनियस के हर एक टॉपिक्स आपको सॉल्व करना है। जैसे कि हो गया आपका इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, डिफरेंस, उन सब से 5-5 क्वेश्चन के हर एक टॉपिक से प्रीलिम्स के 5-5 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इन क्वेश्चन को लगाने कहाँ से हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स ले लिया है। यदि आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सोनल 12 कोड यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको मैंने कम दिया है अभी, न्यूज़पेपर रीडिंग करना है और आपको एक लॉन्ग आरसी को सॉल्व करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि आप डेली उस जो आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, समझ रहे हो कि ये वर्ड वहाँ पर यूज हुआ है तो क्यों हुआ है, और हर एक चीज़ को समझ के तो करना। ठीक है, बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में आपको एक वीडियो देखना है और फिर पीडीएफ से रिविजन करना है। बात कर ले कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में आप वीडियो देख रहे हो या पीडीएफ देख रहे हो या बुक कंप्यूटर अवेयरनेस की पढ़ रहे हो, तो आप किसी चीज़ से भी उसको फॉलो कर सकते हो कंप्यूटर के लिए। बात करें मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट में आपको आरआरबी की जो प्रीलिम्स लेवल के मॉक लगाना है विथ एनालिसिस, उसको मॉक लगाइए, उसके बाद उसको एनालिसिस में डाल दिए। एनालिसिस में आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो क्वेश्चन सच में हार्ड थे या आपने पढ़े नहीं थे या आपके स्पीड के कारण नहीं बने थे, जो भी उसमें रीज़न है उसको नोट करिए और उससे फिर से काम करिए एनालिसिस। ठीक है, तो उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं तो प्लीज़ ये टू डू लिस्ट को फॉलो करिए, ध्यान से फॉलो करिए। इससे मैक्सिमम ही आपको फॉलो करना है, इससे एक्स्ट्रा ही करना है, कम से कम इतना करना है, तो कम से कम एटलीस्ट इतना भी तो करिए आप लोग। ठीक है, ये डे 10 का है, 30 डेज तक ये टू डू लिस्ट चलने वाला है, तो आप लोग 30 डेज को फॉलो कर लो, आप लोग समझ जाओगे किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आप खुद से भी बना के पढ़ सकते हो, तो आप प्लीज़ जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप फॉलो करिए और आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर लिंक वगैरह को सेंड करता रहा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो से। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।